हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि आपके फोन पर इनकमिंग कॉल आता है तो इस ट्रिक को आप जरूर सीखिए। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपके फोन पर कोई भी व्यक्ति जब कॉल करता है तो आप इस ट्रिक को जरूर सीखिए, क्योंकि इस ट्रिक को यदि आप सीख लेते हैं तो फ्रेंड जो आपका कॉल है आपके सिवा कोई दूसरा नहीं उठा पाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप अपने फोन को घर में कहीं रख दिए हैं और उसी वक्त मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई इम्पोर्टेंट कॉल है जो आप चाहते हैं कि आपके घर का कोई भी सदस्य उस कॉल को ना उठाए, तो उस कॉल को कोई भी रिसीव नहीं कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप अपने फोन में स्क्रीन लॉक भी लगा देते हैं और जब आपके फोन पे कॉल आता है तो आपके कॉल को कोई भी उठा सकता है, लेकिन इस ट्रिक को यदि आप अपने फोन में लगा देंगे तो दोस्तों आपका जो कॉल है सिर्फ आप ही उठा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं उठा पाएगा। तो फ्रेंड, आज हम किस ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और इससे पहले आप लोगों ने इस ट्रिक को शायद ही दोस्तों पहले आप इस ट्रिक को जानते होंगे। तो फ्रेंड, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के बगल में घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबाकर आपको ऑल के ऊपर में क्लिक करना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड, बताते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको अपने फोन में वह सेटिंग करनी है। तो फ्रेंड, आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और लास्ट में इस एप्लीकेशन का नाम भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप उसकी सेटिंग और किस तरीके से अपने फोन में यूज करना है यह समझिए। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको इस बटन पर एक बार क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। करने के बाद में यह एप्लीकेशन को आपके परमिशन को अलाउ करना है, इन परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले में दोस्तों आपको पैटर्न मोड मिलेगा, और दूसरे में 2 डिजिट लॉक मोड मिलेगा, और तीसरे पर आपको 4 डिजिट लॉक मोड, और चौथे पे बटन मोड, और सबसे जो लास्ट में है दोस्तों आपको कॉल बटन मोड। ये आपको 5 स्टाइल मिलेंगे। आप किस प्रकार से अपने फोन को लॉक करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन जो हमें सबसे अच्छा लगा ये वाला चौथा वाला लगा दोस्तों, बटन मोड। आपको इस बटन मोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आइकन आएगा 1 से 5 तक, और यहाँ कुछ कार्टून की तरह आइकन आएंगे। इनमें से आपको किस आइकन को सिलेक्ट करना है, तो मान लीजिए आपको ये फुटबॉल वाला अच्छा लगता है तो आपको इस फुटबॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आप फुटबॉल भी चूज कर सकते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं दिखाने के लिए आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं फुटबॉल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको फिर से वही डालना है, पासवर्ड है तो आपको फुटबॉल डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर ये टेस्ट कॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरे फोन पे कॉल आ गया है। अब आपके फोन पर भी जब कॉल आएगा तो कुछ इस प्रकार का देखिए वाइब्रेट हो रहा है फोन। तो अब आपके फोन पर भी यदि कॉल आएगा और आप ये सेटिंग कर देते हैं तो इस प्रकार का कॉल आएगा। जब तक आप वह लॉक नहीं डालते हैं तब तक कॉल नहीं खुलेगा। तो मैं यहाँ पर अपना फुटबॉल और 5 डालता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने फुटबॉल और 5 डाला तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल आ गया। यहाँ से कॉल उठा सकते हैं, यहाँ से कॉल काट सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप इस पासवर्ड को यदि लगा लेते हैं तो आपके सामने देखिए अगर कोई फोन करता है तो स्क्रीन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। उस व्यक्ति का नंबर भी नहीं दिखेगा, लेकिन फोन में आपको वाइब्रेट होगा, आवाज आएगा, लेकिन आपके घर का कोई भी व्यक्ति देखेगा फोन को तो उसके डिस्प्ले पर ना नंबर शो होगा, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। वह ऑप्शन तो आपको पता है कि हमको क्या क्लिक करना है। और जब आप अपने फोन पर अपने ओरिजिनल पासवर्ड को इस तरीके से डालेंगे तो आपके फोन पे जो कॉल आ रहा है वो आपको दिख जाएगा, और आप यहाँ से कॉल को उठाकर कॉल बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इनकमिंग कॉल पर इस तरीके का लॉक लगा सकते हैं जो आपके सिवा कोई भी आपके फोन को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में यही जानकारी हम आप लोगों को दे रहे थे। अब रह गई बात दोस्तों इस एप्लीकेशन का, तो ये देख सकते हैं दोस्तों यही एप्लीकेशन है जिसका नाम है कोचग्राम इनकमिंग कॉल लॉक एंड ऐप लॉक। इसमें आप ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, अपने मनचाहा लॉक भी लगा सकते हैं। मैं दिखाने के लिए आपको एक लॉक आपको दिखाया हूं।
हूँ, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके फोन पर आने वाले कॉल को आपके सिवा कोई दूसरा ना उठाए तो इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।